तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर की इंदौर विधानसभा क्रमांक एक से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती है। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। अब नामांकन जो दाखिल किया है उसमें कुछ तथ्य छुपाने का आरोप कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर लग रहा है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, इंदौर विधानसभा क्रमांक एक से कैलाश विजयवर्गीय जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि कैलाश विजयवर्गीय के ऑपोजिशन में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने संजय शुक्ला को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। संजय शुक्ला यहाँ से विधायक भी थे। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद अब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ जानकारी जो केसेस उनके ऊपर हैं, एफआईआर जो दर्ज है, वो जानकारी छुपाई है। एक मामला है बंगाल का जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट पे उनने इंडिविजुअल पर्सन में पिटीशन लगाई थी जिसके अंदर उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस से केस रिमांड किया पुनर्विचार के लिए। मतलब वो केस आज भी पेंडिंग है और उसको भली भांति जानकारी थी। इसके बाद भी उन्होंने उस केस को शपथ पत्र में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में छुपाया है। इसके साथ ही दुर्ग छत्तीसगढ़ दुर्ग का एक न्यायालय से वो फरार घोषित है। वो फरार ऐसे ही तो आदमी घोषित नहीं हो जाता है। कई बार उनको सम्मन्स इशू हुए होंगे, वारंट इशू हुए होंगे, गिरफ्तारी वारंट इशू हुए होंगे, लेकिन उन्होंने जमानत भी कराई। उस केस की भी उनको भली भांति जानकारी है और नहीं जानकारी है तो हमने जानकारी दे दी। आपको बता दें कि संजय शुक्ला के प्रस्तावक दीपू यादव, वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से फरार मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। इंदौर विधानसभा एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की ओर से उनके अधिवक्ता ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चुनाव निर्वाचन आयोग में बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन फॉर्म निरस्त करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। दर्शकों को ये भी बता दें कि इसमें आरोप लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन फॉर्म भरते समय अपने ऊपर बंगाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज जो हुआ था और जो दुर्ग में एक और दूसरा मामला दर्ज हुआ था उसकी जानकारी चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्म में नहीं दी है। ये मामला छुपाया गया है और इसकी शिकायत की गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जब कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया ने सवाल किया तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं कभी भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं फेयर और विकास की राजनीति पर विश्वास रखता हूं। देखिए, मैं फेयर पॉलिटिक्स करता हूं, मैं डर्टी पॉलिटिक्स करता नहीं और हमेशा मैंने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है और शहर के हित की पॉलिटिक्स की है। इसलिए मैं ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स करता भी नहीं हूँ, ना करूँगा और नहीं इन फालतू चीज़ों का जवाब भी दूंगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का एक मामला जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुनर्विचार के लिए कहा था और एक और मामला जो है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर दायर हुआ था जिसकी शिकायत लेकर अब कांग्रेस नेता जो है वो निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। फिलहाल ये शिकायत दर्ज करा दी गई है। इस पर क्या कुछ एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। इसमें जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले अपने दर्शकों तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से भेजिए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।